सुप्रभात, आदाब, नमस्कार। सत्यम न्यूज टीवी में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं नसीर कुरैशी। आज की खबरों की शुरुआत करते हैं इस बड़ी खबर से। इंसाफ की मांग को लेकर ज्ञानपुर के बाहुबली विधायक विजय मिश्रा पर आरोप लगाने वाली युवती ने अभी हाल में एक वीडियो वायरल किया था। वीडियो के वायरल होते ही गोपीगंज पुलिस ने विधायक विजय मिश्रा के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी है। शनिवार को पुलिस ने विधायक के खिलाफ जहां चार्जशीट दाखिल कर दिया है, वहीं उनके पुत्र विष्णु मिश्रा के खिलाफ पुलिस ने 82 की कार्रवाई करते हुए विधायक विजय मिश्रा के दोनों स्थानों पर नोटिस चस्पा करते हुए डुगडुगी पिटवा दी है। आपको बता दें कि वाराणसी की एक महिला ने विजय मिश्रा सहित उनके पुत्र पर मुकाला करने का आरोप लगाया था। आरोप है कि जब वह गायन कार के लिए कमरे में पहुंचकर कपड़ा बदल रही थी, तभी विधायक पहुंचे और दरवाजा बंद कर उसके साथ मुंह काला किया था। 82 की कार्रवाई करते हुए पुलिस ने नोटिस चस्पा करते हुए विष्णु मिश्रा को 9 सितंबर तक न्यायालय में हाजिर होने का आदेश दिया है। समय से हाजिर न होने पर 83 की कार्रवाई की जाएगी। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर संतोष कुमार चक व स्टोनो रोहितास दुबे के निरीक्षण में भदोही शहर के जयरामपुर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का समूचा स्टाफ लापता मिला है। सुपर के अलावा खुद मेडिकल ऑफिसर प्रमोद पाठक नदारत मिले हैं। शनिवार की सुबह 9:45 पर सीएमओ जब प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जयरामपुर पहुंचे तो टीकाकरण के लिए भीड़ उमड़ी थी, लेकिन कोई भी स्टाफ मौजूद नहीं था। एएनएम प्रतिमा मौर्य तो उपस्थित रजिस्टर में एडवांस हस्ताक्षर कर लापता हो गई थी। सीएमओ के निरीक्षण में स्वास्थ्य महकमे की बड़ी पोल खुली है। इतनी बड़ी लापरवाही देख खुद सीएमओ का माथा ठनक गया। मेडिकल ऑफिसर प्रमोद पाठक सहित 5 कर्मचारियों का सीएमओ ने एक दिन का वेतन रोक दिया है। ज्ञानपुर कोतवाली इलाके के कुंवरगंज में एक बेहद दर्द देने वाला हादसा हुआ है, जहां लोहे की सीढ़ी में विद्युत प्रवाहित होने पर शमशेर नामक व्यक्ति चपेट में आ गया। पति की चीख सुनकर उसकी पत्नी रेशमा पहुंचकर उसे बचाने लगी। पति की जान बचाने में तो रेशमा कामयाब हो गई, लेकिन खुद अपनी जान गंवा बैठी। कुंवरगंज निवासी शमशेर अस्पताल में सफाई का काम करता है। हालांकि गंभीर रूप से घायल रेहाना को परियन आनन फानन में अस्पताल लेकर पहुंचे थे, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। इस हादसे से इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। वहीं पति सहित उसके बच्चे सुध-बुध खो बैठे हैं। रेशमा की मौत से परिवार में मातम छाया हुआ है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ द्वारा भदोही शहर के इंदिरा मिल स्थित जीवन दीप हॉस्पिटल में रविवार को धूमधाम से रक्षाबंधन उत्सव मनाया गया है। इस दौरान आरएसएस पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं ने भगवा ध्वज को रक्षा सूत्र बांधकर राष्ट्र रक्षा का संकल्प लिया। कार्यक्रम के संयोजक कुशल पांडे रहे तथा कार्यक्रम की अध्यक्षता डॉक्टर AK गुप्ता ने किया। इस कार्यक्रम के वक्ता रहे वीरेंद्र जायसवाल ने कहा कि रक्षाबंधन का उत्सव समाज की सेवा और त्याग की भावना को जगाने का एक अवसर प्रदान करता है। भाई बहन के अटूट स्नेह बंधन का यह प्रतीक पर्व रक्षाबंधन मनुष्य के हृदय की गहरी भावनाओं को व्यक्त करता है। उन्होंने बढ़ती जनसंख्या पर भी चिंता जताई है। इस मौके पर भदोही विधायक रविन्द्रनाथ त्रिपाठी, चेयरमैन भदोही अशोक जायसवाल, भाजपा नेता दिलीप गुप्ता सहित मिठाईलाल दुबे आदि मौजूद रहे। गोपीगंज कोतवाली इलाके में चोरों के हौसले पूरी तरह बुलंद हैं। चोरों के आतंक पर अंकुश नहीं लग पा रहा है। चोरी की एक और घटना सामने आई है। नगर के गिराई से जहां शुक्रवार और रविवार की रात गिराई पावर हाउस निवासी नसीब अहमद नामक व्यक्ति के मकान का ताला तोड़कर चोर 5 बकरी उठा ले गए। गृह स्वामी ने आशंका जताई है कि चोर किसी बड़े वाहन से आए थे और बकरी चोरी कर चले गए। जब सुबह बकरी खोलने के लिए पहुंचे तो मकान से बकरी गायब थी। पीड़ित नसीब अहमद ने इसकी सूचना गोपीगंज पुलिस को दी है। आपको बता दें कि काफी समय से गोपीगंज कोतवाली इलाके में चोरों के हौसले बुलंद हैं, जिससे इलाके वासी काफी भय में हैं।
सूर्यामा विकासखंड के भटेवरा ग्राम सभा के प्रधान सिराज अहमद ने मुख्यमंत्री सहित आईटी सेल व तहसील दिवस पर एक शिकायती पत्र देते हुए यूट्यूबर के खिलाफ शिकायत की है। ग्राम प्रधान ने भेजे गए शिकायती पत्र में कहा है कि वह नवनिर्वाचित ग्राम प्रधान है। इस दौरान ज्ञानपुर कोतवाली इलाके के असनाव पुलिस चौकी अंतर्गत राजकुमार सरोज नामक एक यूट्यूबर ने उनके खिलाफ मनगढ़ंत व झूठी अफवाह फैलाई है। कहा कि मनगढ़ंत व झूठी अफवाह से उनके सम्मान को ठेस पहुंचा है। ग्राम प्रधान ने शिकायती पत्र देते हुए यूट्यूबर की जांच कराकर कार्रवाई की मांग की है। भदोही शहर का रेवड़ा परसपुर मार्ग का निर्माण कार्य शुरू हो गया है। आपको बता दें कि अभी कुछ दिनों पहले भदोही विधायक रविन्द्रनाथ त्रिपाठी ने रामरायपुर रेवड़ा परसपुर मार्ग का शिलान्यास किया था। विधायक ने लोक निर्माण विभाग को एक माह के अंदर सड़क के निर्माण कार्य को पूरा कर लिए जाने का निर्देश दिया था, जहां अब रेवड़ा परसपुर मार्ग पर गिट्टियां बिछना शुरू हो गई हैं। यह मार्ग बनने के बाद भदोही शहर से ज्ञानपुर, मिर्जापुर, औराई सहित रसपुरा चौराहे पर आने जाने वाले लोगों को भारी राहत मिलेगी। यह मार्ग पूरी तरह गड्ढों में तब्दील हो चुका था। इस मार्ग के निर्माण को लेकर सत्यम न्यूज ने कई बार खबरें भी छापी थी और चलाई भी थी। भदोही विकासखंड के ग्राम सभा निवादा कला के ग्राम प्रधान दिनेश पाठक ने गांव के ही अनिल सिंह व सुनील सिंह के खिलाफ भदोही कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराते हुए आरोप लगाया है कि वह निवादा कला में बन रहे पंचायत भवन पर निर्माण कार्य का निरीक्षण करने पहुंचे थे, तभी गांव के ही यह दोनों व्यक्ति पहुंचे और भद्दी भद्दी गालियां देते हुए मार देने की धमकी दी है। ग्राम प्रधान दिनेश पाठक ने बताया कि कुछ लोग चुनावी रंजिश रखते हैं, जिससे उनका परिवार डरा व सहमा है। ग्राम प्रधान की शिकायत पर पुलिस ने मुकदमा तो दर्ज कर लिया, लेकिन दिनेश पाठक ने कहा कि कभी भी उनकी हत्या हो सकती है। और जब से हम चुनाव जीते हैं सर ग्राम प्रधानी का अपने गांव से, तब से ही हमारे पीछे लोग पड़े हैं और हमारी हत्या करना चाहते हैं। इसके पूर्व में भी मैं सर कप्तान साहब को, भदोही थाना, अन्य जगहों पर बड़े ऊंचे अधिकारियों को हमने प्रार्थना पत्र दिया। प्रधान संघ की एक बैठक अभोली ब्लॉक के बीरभद्र पट्टी ग्राम सभा में संपन्न हुई है, जहां बैठक में परवपुर ग्राम सभा की प्रधान रंभा देवी को अभोली ब्लॉक का अध्यक्ष चुना गया है। बैठक में लगभग 40 ग्राम प्रधान मौजूद रहे। बीरभद्र पट्टी की प्रधान अनार देवी की अध्यक्षता में यह बैठक संपन्न हुई है, जहां सभी ने एक स्वर में रंभा देवी को अभोली ब्लॉक का अध्यक्ष चुना है। इस दौरान ब्लॉक अध्यक्ष रंभा देवी ने कहा कि प्रधानों के सुख दुख में हमेशा खड़ी रहूंगी। कहा कि अगर ग्राम प्रधानों का शोषण किया गया तो यह बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस मौके पर अवधेश कुमार शुक्ला, सुरेश बिंद, महेश्वरी शुक्ला, श्रीराम यादव सहित 3 दर्जन से अधिक ग्राम प्रधान मौजूद रहे। इस साल भी राखी की रौनक फीकी नजर आई। संक्रमण काल के चलते बाजारों में मंदी का असर देखने को मिला है। राखी की पूर्व संध्या यानी शनिवार को बाजारों से रौनक गायब रही। दुकानें तो रंग बिरंगी राखियों से सजी थी, लेकिन ग्राहक नाम मात्र के थे, जिससे राखी कारोबारियों में मायूसी देखी गई। औराई के राखी दुकानदार पवन मुदलमाल ने बताया कि मंदी का आलम यह है कि महंगी राखी की डिमांड बेहद कम है। त्यौहार की परंपरा निभाने के लिए सस्ते डोर को ही लोग खरीद रहे हैं। इसी तरह मोड़ बाजार के भी राखी कारोबारी ने अपनी विपता बताई है। खमरिया के आभूषण व्यवसायी शिवशंकर ठठेर के मुताबिक एक समय था जब चांदी की राखी की डिमांड हुआ करती थी। लॉकडाउन व संक्रमण की वजह से चांदी की राखी तो काउंटर की शोभा बनकर रह गई है, कोई पूछने वाला नहीं है। कारोबारी बेहद मायूस हैं। गोपीगंज इलाके के बड़े शिव मंदिर पर शनिवार को नाई समाज की एक बैठक संपन्न हुई है। बैठक में नाई समाज के मंडल प्रभारी इंद्रजीत शर्मा ने संगठन को मजबूत करने पर बल दिया। उन्होंने कहा कि नाई समाज के लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है, समाज के लोग नौकरी नहीं पा रहे हैं, समाज पूरी तरह उपेक्षित है, इसलिए हम सभी को संगठित होने की जरूरत है। कहा कि हम सभी को एकजुट होकर संगठन को मजबूत करना है। कहा कि जब हम मजबूत होंगे तभी अपने हक के लिए आवाज बुलंद कर सकते हैं। इस मौके पर साधु शर्मा, समर बहादुर शर्मा, कमला शंकर, रामकुमार शर्मा आदि मौजूद रहे।
उस थाना इलाके के अइनच के ठकुरैनी तारा बाजार के समीप उस वक्त बड़ा हादसा होते होते बचा है, जब क्षतिग्रस्त सड़क से एक गिट्टी लदी ट्रक अनियंत्रित हो गई। चालक पूरी तरह ट्रक से नियंत्रण खो बैठा, जहां सड़क किनारे एक साड़ी सेंटर में ट्रक घुसते घुसते बची है। अगर ट्रक दुकान में घुसती तो बड़ा हादसा हो सकता था। ट्रक की कवायनी भी टूट गई थी। ट्रक के अनियंत्रित होने से बाजार में अफरा तफरी फैल गई थी। जर्जर रोड के कारण अइनच बाजार में यह हादसा हुआ है। काली नगरी भदोही में रुक रुक कर हो रही हल्की बारिश भी कच्चे मकानों के नुकसानदेह साबित हो रही है। शुक्रवार व शनिवार को मिलाकर भदोही जिले के अलग अलग स्थानों पर कुल आधा दर्जन मकान गिरे हैं। साथ ही चमक व गरज के साथ चिरी गिरने से दो मवेशियों की मौत हो गई है। डीग ब्लॉक के बहपुरा गांव निवासी विजय कुमार यादव के दो मवेशी की मौत हो गई है। भदोही विकास खंड के सोनहर गांव में गुलाबी देवी का कच्चा मकान बारिश के चलते ढह गया है। इसी तरह डीग ब्लॉक के कलिंजरा में भी प्रमोद कुमार नामक व्यक्ति का कच्चा मढ़ा धाराशाही हुआ है। रुक रुक कर हो रही हल्की बारिश भी गरीबों के आसियाने को धाराशाही कर रही है। केंद्रीय मंत्री व अपना दल यश की राष्ट्रीय अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल शनिवार को भदोही के औराई पहुंची, जहां चौराहे पर पार्टी के जिलाध्यक्ष सुनील पटेल के नेतृत्व में जमा हुए बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं ने उनका गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। अनुप्रिया पटेल ने एक एक कार्यकर्ताओं से बात की और 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर मंत्र भी दिया। पार्टी कार्यकर्ता अनुप्रिया पटेल की शान में गगनभेदी नारे लगा रहे थे। कार्यकर्ताओं ने पुष्प गुच्छ भी केंद्रीय मंत्री को भेंट किया है। उसके बाद वह बाबतपुर के लिए निकल गई। इस मौके पर बिंध्यवासिनी उपाध्याय, जितेंद्र पटेल, हरिलाल पाल, आकाश पटेल सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। लालानगर टोल प्लाजा के समीप एक तेज रफ्तार बाइक चालक ने दिव्यांग के ट्राईसाइकिल में टक्कर मार दी है। हादसे में दिव्यांग जहां घायल हो गया, वहीं ट्राईसाइकिल भी क्षतिग्रस्त हुई है। घायल दिव्यांग राष्ट्रीय राजमार्ग पर ही दर्द से कराह रहा था, जहां अख्तर अंसारी, आसिक अंसारी, वकील अंसारी, तनवीर अंसारी जैसे युवकों ने उसे उठाकर एक क्लिनिक पर ले गए, जहां इन युवकों ने घायल दिव्यांग का उपचार कराया। दिव्यांग आकाश कुमार सरोज अमवा माफी का निवासी था तथा औराई के उगापुर अपने बहन के घर जा रहा था, तभी यह हादसा लालानगर टोल प्लाजा के समीप हुआ है। इन युवकों ने उसे सवारी वाहन से उसके बहन के घर भेजा। हादसे में ट्राई साइकिल क्षतिग्रस्त हो गई है। बाइक चालक फरार हो गया था। धौरारा बाईपास मार्ग के विवेकानंद चौराहा नई बाजार मार्ग पर छुट्टा पशुओं का इस कदर आतंक कायम है कि राहगीर उस रास्ते से आवागमन को भय खाते हैं। दिन हो या रात, विवेकानंद चौराहे के नई बाजार मार्ग पर इन छुट्टा पशुओं का जमावड़ा रहता है। अब तक इन छुट्टा पशुओं के आतंक से दर्जनों लोग घायल हो चुके हैं। आसपास के लोगों ने बताया कि रात में तो छुट्टा पशु दुकानों, बाउंड्री वाल व चबूतरे पर गंदगी फैला देते हैं। लोगों ने तो यहाँ तक बताया कि छुट्टा पशु अक्सर आपस में लड़ते लड़ते फल मंडी पर भी धावा बोल देते हैं। वहीं रात के अंधेरे में बीच सड़क पर बैठकर यह पशु हादसे को दावत दे रहे हैं। बाजार वासियों ने छुट्टा पशुओं को गौशाला में भेजे जाने की मांग की है। शनिवार को भदोही जिले में संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया गया था। औराई तहसील पर जहां डीएम आरका अखौरी एसपी राम बदन सिंह ने फरियाद सुनी है, वहीं भदोही तहसील पर एसडीएम आशीष कुमार मिश्रा ने कुल 56 फरियादियों की फरियाद सुनते हुए 4 का मौके पर ही निस्तारण कर दिया। भदोही तहसील पर कुल 56 मामले आए थे, जिसमें राजस्व के 29, थाना से संबंधित 15, ब्लॉक 4, पूर्ति विभाग के 3, डूडा के 3, नलकूप व सीडीओ से संबंधित 1-1 मामले पहुंचे थे। एसडीएम भदोही ने 4 मामलों का मौके पर ही निस्तारण किया है। इसी तरह ज्ञानपुर में एसडीएम और तहसीलदार ने फरियाद सुनी है। आपको बता दें कि भदोही जिले के तीनों तहसीलों पर आयोजित समाधान दिवस में सबसे अधिक मामले राजस्व के पहुंचे थे।
संक्रमण के दौर से मुफलिसी व गरीबी में गुजर बसर कर रहे गरीबों के बीच जाकर भदोही जिले के बसपा कार्यकर्ताओं ने बहुजन समाज पार्टी द्वारा राशन किट का वितरण किया गया है। शनिवार को ज्ञानपुर विधानसभा के जगापुर गांव में पहुंचे बसपा के जिला अध्यक्ष राजेश कुमार गौतम ने पार्टी कार्यकर्ताओं के संग गरीबों के बीच राशन किट का वितरण किया है, जिसमें साबुन, तेल, मसाला, आटा, चावल आदि सामान शामिल था। इस दौरान बसपा जिला अध्यक्ष ने कहा कि गरीब संक्रमण के दौर से काफ़ी परेशान हैं, लेकिन सरकार ने 5 किलो राशन बांटकर अपनी जिम्मेदारी पूरी कर ली है। जिलाध्यक्ष ने बताया कि बहुजन समाज पार्टी को यह राशन किट लेठा चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा दिया गया था। इस मौके पर मास्टर अशोक, डॉक्टर आर के राव, विश्वास दास आदि लोग मौजूद रहे। भदोही शहर के इंदिरा मिल स्थित रामरायपुर रेलवे क्रॉसिंग के उस पार की हालत पिछले कुछ समय से गंदगी से बेहद बदहाल हो गई है। पॉलिथीन व डिस्पोजल ग्लास पर प्रतिबंध तो लग गया है, लेकिन आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं कि किस तरह यहां प्लास्टिक के इन सामानों का अंबार लगा हुआ है। ओवरब्रिज के नीचे दर्जनों दुकानें हैं। हॉस्पिटल होने की वजह से सैकड़ों लोगों का आना जाना प्रतिदिन लगा रहता है, लेकिन यहाँ भीषण गंदगी फैली रहती है। आसपास के दुकानदारों में बीमारी फैलने का डर बना हुआ है। वहीं कूड़ों से उठने वाली भीषण बदबू से भी लोगों का जीना हराम हो गया है। कहने को तो यह इलाका नगर पालिका क्षेत्र में आ गया है, लेकिन इस इलाके की कोई सुध लेने वाला नहीं है। अवराई ब्लॉक के सिकंदरा गांव में तो राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी हैं। अब तक अजय बिंद, श्याम मिलन बिंद जैसे खिलाड़ियों ने कई मेडल भी हासिल कर देश का नाम रोशन किया है, लेकिन इस गांव की बदनसीबी यह है कि यहां पर एक अदद खेल का मैदान नहीं है। अगर इलाके के युवाओं को सुविधाएं मिले तो यहां भी कई नीरज चोपड़ा निकल सकते हैं। ग्रामीणों ने गांव में खेल मैदान की मांग की है। गांव के ही राम मिलन बिंद, कप्तान यादव, मान सिंह पाल, अनिल पाल बताते हैं कि गांव में चारागाह की बड़ी भूमि है। अगर इसी भूमि को खेल का मैदान बना दिया जाए तो इलाके के युवा दौड़ सहित अन्य खेलों की तैयारी कर देश विदेश में भदोही जनपद का नाम रोशन कर सकते हैं। लोकल फॉल्ट के चलते भदोही शहर के इंदिरा मिल फीटर की बत्ती अचानक गुल हो गई। शनिवार की सुबह गुल हुई बत्ती दोपहर 12 बजे के बाद बहाल हो सकी, जिससे भदोही शहर के चौरी रोड, बाजार सरदार खान, मलकाना, जमुन पजभैया सहित दर्जनों मोहल्ले की विद्युत बाधित रही। आए दिन लोकल फॉल्ट से उपभोक्ताओं को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। शनिवार को अचानक गुल हुई बत्ती से पेयजल के लिए भी लोगों में हाहाकार मचा रहा। बिजली कटौती व उमस भरी गर्मी ने लोगों को बेहाल करके रख दिया था। गोपीगंज कोतवाली क्षेत्र के मिर्जापुर रोड रेलवे क्रॉसिंग पर ओवरटेक के चक्कर में दो वाहन चालक आपस में भिड़ गए। कहा सुनी के बाद मामला मारपीट में तब्दील हो गया। इस संबंध में बताया जाता है कि मारुति कार में सवार होकर कुछ लोग विंध्याचल से दर्शन कर गोपीगंज की तरफ आ रहे थे। मिर्जापुर रोड रेलवे फाटक बंद था। फाटक खुलने के बाद जैसे ही कार आगे बढ़ी, तभी पीछे से एक ब्लोरो मारुति कार को ओवरटेक करने लगी। इसी बीच ब्लोरो ने कार में साइड से टक्कर मार दी। फिर क्या था, आक्रोशित हुए कार सवार ने उतरकर ब्लोरो सवार से कहासुनी कर ली। देखते ही देखते मामला मारपीट में तब्दील हो गया। मारपीट से रेलवे फाटक पर भीषण जाम लग गया। मारपीट व जाम की सूचना पर पहुंची गोपीगंज पुलिस ने दोनों वाहन को सवार सहित हिरासत में लेकर थाने चली आई। सूर्यामा थाना इलाके के बनकट गांव के समीप बाबा बड़ेश्वरनाथ मंदिर से कुछ माह पूर्व चोरों ने घंटा, बर्तन व साउंड मशीन को उड़ा दिया था। इस मामले में पुलिस ने दो लोगों को गिरफ्तार भी किया था। मंदिर बगैर घंटा के काफी समय से सूना था, जहां गांव के ही रिटायर आर्मी के जवान नन्हे दुबे ने शनिवार को 51 किलो का घंटा मंदिर में बंधवाया है। मंदिर में घंटा लगने से इलाके वासियों में खुशी की लहर है। गांव के ही लवकुश पांडे, बंटी दुबे, बंसीधर दुबे, मेवालाल ने मंदिर में घंटा चढ़ाए जाने के बाद हर्ष व्यक्त किया है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू के आह्वान पर कांग्रेसियों ने जय भारत महासंपर्क अभियान के तहत
औराई के जाठी गांव में पहुंचे थे, जहां ग्रामीणों से कांग्रेसियों ने संवाद स्थापित किया और कांग्रेस सरकार की उपलब्धियां बताई। कांग्रेसियों ने कहा कि वर्तमान सरकार गरीबों की सुध लेने के बजाय उनके जेबों पर डाका डाल रही है। बढ़ती महंगाई ने हर वर्ग के लोगों की कमर तोड़कर रख दी है। इस मौके पर महेंद्र सरोज, विमलेश पाल, अनिल रामलाल आदि मौजूद रहे। गोपीगंज कोतवाली इलाके के बिहरोजपुर के समीप दो दिन पूर्व हुए सड़क हादसे में घायल अधेड़ की इलाज के दौरान मौत हो गई। घायल अधेड़ राजेश मिश्रा डुहिया का निवासी था तथा दो दिन पूर्व बाइक से गोपीगंज की तरफ जा रहा था, जहां इब्राहिमपुर कौलापुर मार्ग के समीप बिहरोजपुर में एक बाइक ने टक्कर मार दी थी। प्रयागराज में राजेश मिश्रा को भर्ती कराया गया था, जहां इलाज के दौरान शनिवार को उनकी मौत हो गई। मौत की खबर मिलते ही मृतक के परिजनों में कोहराम मच गया। शनिवार को ज्ञानपुर के एनपीजी कॉलेज परिसर में मिशन शक्ति के तहत एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। कार्यक्रम का शुभारंभ डॉक्टर रमेश चंद बिंद, जिला पंचायत अध्यक्ष अनिरुद्ध त्रिपाठी, भदोही विधायक रविन्द्रनाथ त्रिपाठी, पुलिस अधीक्षक राम बदन सिंह ने दीप प्रज्वलित कर मां सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण करके किया है। कार्यक्रम में आशा आंगनबाड़ी, अलग अलग विद्यालयों की शिक्षिकाएं, छात्राएं, महिला पुलिसकर्मी, महिला राजस्व कर्मी, नगर पालिका व नगर पंचायतों की कर्मचारी व महिला ग्राम प्रधानों ने बड़ी संख्या में शिरकत की, जहां अपने अपने क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाली महिलाओं को प्रशस्ति पत्र देते हुए सम्मानित किया गया। सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया था। इस दौरान भदोही विधायक रविन्द्रनाथ त्रिपाठी ने कहा कि केंद्र व प्रदेश सरकार महिलाओं से जुड़ी अनेक कल्याणकारी योजनाएं संचालित कर रही है। इस मौके पर भाजपा जिला अध्यक्ष विनय कुमार श्रीवास्तव, बीएसए भूपेंद्र नारायण सिंह, जिला सूचना अधिकारी प्रवीण मालवी सहित बड़ी संख्या में अधिकारी व कर्मचारीगण मौजूद रहे। फिलहाल आज की फटाफट खबरों में बस इतना ही। आइए जानते हैं आज क्या है ज्ञानी पंडित जी में। आज 22 अगस्त 1921 को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने विदेशी वस्त्रों की होली जलाई थी। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। अब हमारी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार, आदाब।